छत्तीसगढ़ के गलियारों से खबर आ रही है। वहां सियासी गलियारों में 20 से 25 सेकंड के एक वीडियो ने जबरदस्त हलचल मचा दी है, भूचाल ला दिया है। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का है, जिसमें वो एक बड़ी बात कह रहे हैं और इसी बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। और बात इतनी बढ़ चुकी है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सामने आकर कहना पड़ा कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। देखिए क्या है ये मामला। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता याग्वल मिश्रा की ये रिपोर्ट। बाबा, एक साल से कम समय का चुनाव समय बाकी है और कार्यकर्ताओं में आशा भी है, कहीं ना कहीं आपको सीएम के रूप में देखना चाहता है। इससे भी कार्यकर्ताओं को कैसे मनाया जाएगा कि फिर से 2023 में यहाँ पे विधायक जीते हैं? अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये जो कहा है वो छत्तीसगढ़ की सियासत में काफी मायने रखता है। चुनाव से पहले सिंहदेव अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कौन सा फैसला लेंगे, इसे लेकर तीन विकल्पों पर चर्चा शुरू हो गई है। क्या सिंहदेव कांग्रेस छोड़ेंगे, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे? इन विकल्पों के अलावा सिंहदेव के पास और क्या विकल्प हो सकता है, इसके कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन कयासों के बीच बीजेपी को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका मिल गया है। बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस का कौरवी संग्राम है। किसी ने कहा कि जब पानी सिर से ऊपर उठता है तो व्यथा इस तरह से बाहर आती है। अब ये यादवी संघर्ष, ये सत्ता का संघर्ष कहां तक जाएगा? पहले भी टीएस सिंहदेव साहब अपना एक मंत्री पद का एक विभाग छोड़ चुके हैं। टीएस सिंहदेव जी का ये बयान बहुत सारे हेतु लेकर हम सबके सामने आया है और उनका ये बयान छत्तीसगढ़ के विकास को रोकेगा, उनका ये बयान सत्ता के संघर्ष को तेज करेगा। अब तो भूपेश बघेल जी खाली बाहरी विरोध नहीं, अब तो उनका आंतरिक विरोध भी तेज हो गया है। उनको चुनाव तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ये सिंहदेव साहब ने व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है, यह इस बात का घोतक है जिससे वो व्यथित होकर के इस प्रकार के बयान दिए हैं। सिंहदेव ने ऐसा क्यों कहा कि चुनाव से पहले वो कोई फैसला लेंगे? दरअसल सिंहदेव ने खुलकर कभी नहीं कहा, लेकिन वो और उनके समर्थक मानते हैं कि उनके साथ दगा किया गया है। 2.5 साल सीएम बनाने की बात की गई थी, जो वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। उसी के बाद सिंहदेव और बघेल के बीच शीत युद्ध जारी है और ये गाहे बगाहे सामने आ जाता है। और जब सिंहदेव ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था तो इसे इसी से जोड़कर देखा गया, लेकिन सीएम बघेल ने उनके इस बयान को कैमरे के सामने सामान्य बता दिया। उन्होंने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में, आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं से सभी ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं, मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता है तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत क्या कहा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा लड़ना है कि नहीं लड़ना, सहयोग दोगे नहीं दोगे, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। अब भले ही भूपेश बघेल इसे सामान्य करार दे रहे हैं, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि 2023 की राह कांग्रेस के लिए उतनी आसान नहीं, क्योंकि कांग्रेस का मुकाबला अपने ही 70 लोगों से ज्यादा से बजाय बीजेपी। सिंहदेव उत्तर छत्तीसगढ़ की करीब 27 सीटों पर गहरा प्रभाव रखते हैं और ये 27 सीटें सरकार बनाने और बिगाड़ने का मादा रखती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि 20 सेकंड के इस वीडियो ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आप सिंहदेव कौन सा विकल्प तलाशेंगे और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए क्या फैसला लेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन उनके इस बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली हलचल तो मचा ही दी है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही YouTube पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे WhatsApp नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।